पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1984 के सिख दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उस समय के गृह मंत्री नरसिम्हा राव ने इंद्र कुमार गुजराल की सलाह मान ली होती तो 1984 के सिख दंगों को टाला जा सकता था। दरअसल बुधवार को मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। गुजराल की बात मानी होती तो नहीं होता सिख दंगा। गुजराल ने नरसिम्हा राव को दी थी सेना तैनात करने की सलाह। सिख दंगे से पहले नरसिम्हा राव से मिलने गए थे गुजराल। 1984 का सिख विरोधी दंगा रोका जा सकता था अगर तत्कालीन गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल की बात मानी होती। ये बड़ा खुलासा किया है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। When the sad event of 1984 took place, Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. पूर्व पीएम ने यह खुलासा बुधवार को इंद्र कुमार गुजराल की जन्म शती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में 3000 सिखों की मौत हुई थी। दिल्ली में ही 2700 सिख मारे गए थे। टीम न्यूज़ नेशन। बीजेपी और अकाली दल के नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है इसको लेकर। देखिए 84 की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी आज भी लेने को तैयार नहीं है। आज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जिस पाप को कांग्रेस पार्टी ने किया है उस पाप का पूरी तरह से उस पाप को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। उस तरह उस पाप से सने हुए कांग्रेस के हाथ को बचाया नहीं जा सकता। तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इंस्ट्रक्शन के ऊपर ये सब कुछ हुआ और वो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड सरकार ने ये सब कुछ करवाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कल जाने अनजाने में इसको माना, चाहे 35 साल बाद ही सही, और ये भी माना कि जब आई के गुजराल जी और कुलदीप नैयर जी, पतवंत सिंह सॉरी कुशवंत सिंह जी उनके घर पर जाते हैं नरसिम्हा राव के, नरसिम्हा राव कहते हैं कि मैं अभी देखूंगा और मैं ऊपर बात करूंगा। अब ऊपर बात करने वाले तो उनके अलावा और कोई नहीं थे राजीव गांधी के अलावा। तो ये सारा कुछ जो है राजीव गांधी द्वारा कराया गया और यहाँ तक देश के गृह मंत्रालय को इस्तेमाल किया गया। नीचे तक डाउन द लाइन ये मैसेज दिया गया कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं, ये जो कत्लोगरुत कर रहे हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे और उनकी सपोर्ट की जाए और ये कत्लेआम को अंजाम दिया जाए।